जिसने जन्म दिया सिंह सा भगत सिंह, जिसने जन्म दिया सिंह सा भगत सिंह, शेरनी जी विद्यावती माई को प्रणाम है, शेरनी जी विद्यावती माई को प्रणाम है, शेरनी जी विद्यावती माई को प्रणाम है। एक बेटे का नाम आप तक पहुंच जाए, आपको लगे कि हाँ मैंने सही नाम लेकर सही व्यक्ति के नाम छंद पढ़ा, तो आशीर्वाद देना। मैं उस बेटे की बात कर रहा हूं जिसने घास की रोटियां खाई लेकिन पराजय स्वीकार नहीं। चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि भाले को प्रणाम, तलवार को प्रणाम, वीर सिंह जैसे महाराणा प्रताप को प्रणाम है। भाले को प्रणाम, तलवार को प्रणाम, वीर सिंह जैसे महाराणा प्रताप को प्रणाम है। भाले को प्रणाम, तलवार को प्रणाम, वीर सिंह जैसे महाराणा प्रताप को प्रणाम है। जिसकी तहार से ही कांपते थे शत्रुदल, बांकुरे की उस पदचाप को प्रणाम है। और थर थर कांपते थे मुगलों के दल जहां, थर थर कांपते थे मुगलों के दल जहां, चेतक महान वाली ताप को प्रणाम है। थर थर कांपते थे मुगलों के दल जहां, चेतक महान वाली ताप को प्रणाम है। लड़ा सदान वान शान के लिए जो उस महाराणा प्रताप के प्रताप को प्रणाम है, महाराणा प्रताप के प्रताप को प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत। भाई पंकज ने शहीदों का जिक्र किया, मुझे एक घटना याद आती है। जब दो शीश विहीन सब हिंदुस्तान में आए, स्वागत भैया, उन बेटों के शीश विहीन सब आए, हेमराज और सुधाकर। हेमराज की मां 10 दिन तक दिल्ली में अनशन पर बैठी रही, भूख हड़ताल पर बैठी रही। लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री, किसी गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री, किसी से उसे उचित आंसर नहीं मिला। वह सिर्फ ये कह रही थी कि मुझे मेरे बेटे का शीश मंगाकर सिर्फ दिखा दो। 8 दिन बाद एक पत्रकार आया, उसने पूछा कि मां आखिर चाहती क्या हो, क्यों भूखी प्यासी बैठी हो। उसने कहा कि बेटा मैं अपने बेटे का मुखड़ा देखना चाहती हूं। कि क्या करोगी मां देखकर, देश के लिए जो बेटा शहीद हो गया, संसार में इससे गौरव की और कोई बात नहीं हो सकती कि बेटा देश के काम आ जाए। तुम क्या देखना चाहती हो? कि मैं देखना चाहती हूं जिस समय मेरा बेटा शहीद हुआ उस समय उसके मुखड़े पर डर की रेखाएं तो नहीं थी। मैं देखना चाहती हूं जिस समय मेरा बेटा शहीद हुआ उसकी आंखों के डोरे लाल थे या नहीं। मैं देखना चाहती हूं जिस समय मेरा बेटा शहीद हुआ डर के मारे उसके चमड़े खुले तो नहीं रह गए थे। मैं देखना चाहती हूं जिस समय मेरा बेटा शहीद हुआ उसकी भ्रकुटियां डर के मारे फैल तो नहीं गई थी। रात में हेमराज की मां के स्वप्न में हेमराज की और सुधाकर की आत्मा आई। क्या कहा होगा उन आत्माओं ने? एक छंद आप तक पहुंच जाए तो मुझे आशीर्वाद देना। के वादियों में शत्रुओं को चीरते मिटाते हुए माता तेरे लाल ये कमाल दिखते रहे। वादियों में शत्रुओं को चीरते मिटाते हुए माता तेरे लाल ये कमाल दिखते रहे। झुके नहीं शीश कट गए कोई गम नहीं, गर्व से उठे हुए ये भाल दिखते रहे। और सिंह के समान मुख पर लगाम दिखता था, सिंह के समान मुख पे लगाम दिखता था, पाकिस्तानी सैनिकों को काल दिखते रहे। सिंह के समान मुख पे लगाम दिखता था, शत्रु सैनिकों को वहां काल दिखते रहे। प्रकृति तनी हुई थी जबड़े कसे हुए थे, आंखों के ये डोरे लाल लाल दिखते रहे, आंखों के ये डोरे लाल लाल दिखते रहे, आंखों के ये डोरे लाल लाल दिखते रहे। यहाँ लिखा है कि कवियों की जुबानी, शहीदों की कहानी। मुझे वो घटना याद आती है जब मेरठ ने मेजर मनोज तलवार को खोया, तो बड़ौद ने 23 वर्षीय बेटा धीर सिंह खोया। बताते हैं कि धीर सिंह शादी के अगले रोज युद्ध भूमि में चला गया। 3 दिन बाद उसके शहीद होने की खबर उसके गांव में आ गई और 7 दिन बाद उस बेटे का शव तिरंगे में लिपटा हुआ उसके गांव में आया। मुझे जब सूचना मिली कि उसके परिवार ने एक चिट्ठी उस बेटे को लिखी, तो मैंने 2 छंद लिखे, एक परिवार की ओर से और एक उस बेटे की ओर से। मुझे नहीं पता वो चिट्ठी उस बेटे तक पहुंची या नहीं पहुंची, लेकिन एक शहीद, एक सैनिक के परिवार वाले क्या उम्मीद करते हैं, एक छंद में मैंने लिखने का प्रयास किया है। आदरणीय फक्कड़ जी का आशीर्वाद चाहूंगा। बड़े होते हैं हमारे
और उनसे बड़ी प्रेरणा मिलती, बड़ा सीखने को मिलता है। आदरणीय अकेला जी बैठे हैं कि पीठ पे ना खाना गोली, माँ ने लिख बह जाया है, बहन लिख राखियों का कर्ज भी चुकाई। पीठ पे ना खाना गोली, माँ ने लिख भेजा है, बहन लिखे राखियों का कर्ज भी चुकाइए, पत्नी लिखे है मेरी सौत मौत संगनी हो, ध्यान रहे पीठ ना अरी को दिखलाइए। और पिता लिखे पाप के इरादों का कफन बुन, पिता लिखे पाप के इरादों का कफन बुन, युद्ध में प्रताप सा प्रताप जल गाइए। और नजर जो उठे मात भारती के बाल पे, तू वही शीश काट गंगा मात को जाइए, तू वही शीश काट गंगा को चढ़ाइए, तू वही शीश काट गंगा रात को चढ़ाइए। क्या जवाब लिखा होगा उस बेटे ने? अगर आप तक पहुंच जाए जवाब, आपको लगे कि उस बेटे ने शायद यही लिखा होगा, और अगर वो जीवित होता तो यही लिखता, तब आशीर्वाद देना। नमन करता हूं मेजर मनोज तलवार को, नमन करता हूं धीर सिंह को, और इस मोदीनगर और मुरादनगर की पावन धरा को नमन करता हूं कि 2006 से 2013 तक इसने भी 3 बेटे देश को दिए। नमन करता हूं उन परिवारों को, छंद पढ़ता हूं कि रोके ना रुकेगा ये सैलाब, युद्ध भूमि बीच कितने मनोज धीर वीरता दिखाएंगे। रोके ना रुकेगा ये सैलाब, युद्ध भूमि में जीतने मनोज धीर वीरता दिखाएंगे, पाक अफगान हो या चीन शत्रु राष्ट्र को इस सारे दुश्मनों को काट काट चले आएंगे। और हिम के शिखर पे लहराएगा तिरंगा ध्वज, हिम के शिखर पे लहराएगा तिरंगा ध्वज, सारे संसार को यह बात समझाएंगे। हिम के शिखर पे लहराएगा तिरंगा ध्वज, सारे संसार को यह बात समझाएंगे। चंद घंटों की अनुमति कर दे दे दिल्ली, चंद घंटों की अनुमति कर दे दे दिल्ली, सीने बीच पाक के तिरंगे गाएंगे, सीने बीच पाक के तिरंगे गाएंगे, सीने बीच पाक के तिरंगे गाएंगे। एक कार्यक्रम में मैं रायबरेली चला गया, वहां पर जब मैं पढ़ रहा था औज की रचना, तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ, कहने लगा भाई साहब और कुछ नहीं आता क्या? मैंने कहा भाई अच्छा नहीं लग रहा, कि नहीं भाई साहब मैं तो ये जानना चाहता हूं कि लोग आते हैं शहीदों के बारे में पढ़कर तालियां बटोरते और चले जाते हैं। मैंने कहा शहीदों को याद क्यों करना चाहिए ये सुन के जा।